दोस्तों नमस्कार, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है और आज का ही दिन है, यानी कि 7 तारीख का इंतजार पिछले 2 महीने से किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आने वाली है उसका क्या निष्कर्ष होगा, क्या नतीजा होगा और उस दिन किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के वो ऐतिहासिक आंदोलन इतिहास बन जाएगा, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज कुछ लाइव फुटेज और तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड, रामलीला मैदान के फोटो जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई है उन फोटो जो तस्वीरों को बड़े गौर से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक आखिरी जो तो रामलीला ग्राउंड पर ये रैली हो, इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होने की संभावना या चांसेस बहुत ज्यादा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने अपने भाषण में ही बताया था, उन्होंने जो एक भावनात्मक तरीके से अपील की थी उसी अपील में यह बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके ये एक आखिरी जो है तो लड़ाई है, इस लड़ाई में सब कोई बढ़ चढ़ के साथ दे, सहयोग दे ताकि इस लड़ाई का अंत हो जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो उनका एक विशेष रूप से अधिकार बनाया गया है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करानी है वो पेंशन की राशि मुहैया करा दी जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।